हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार राणा, और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं जो आज की नई जर्नी में पहुंचा हूं मिन्स्क बेलारूस, और मैं मिन्स्क से 300 किलोमीटर दूर अभी इस शहर में आया हूं जिसका नाम है गोमिल। ये एरिया मैं एक सेमिनार अटेंड करने के लिए यहां पहुंचा था, और जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर बर्फबारी हो रही है इस वक्त पूरी, जिसे हम कह सकते हैं भाई जैसे हम आए और इस्तकबाल इस बर्फबारी के साथ हमारा हुआ है। तो हम रात को वैसे यहां पहुंचे थे, और जैसे हम सुबह होटल से बाहर निकले तो ये बर्फबारी होने लगी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद यूरोप में कोई जिस प्रकार जैसे लोगों के अपने अपनी सोच के हिसाब से, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पर गरीबी है या यहाँ पर कुछ काम नहीं है या कोई ऐसे ही, मतलब कई बातें लोग आपस में सोचते हैं या करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो अपना बेलारूस का जो मेन सिटी है वो है मिन्स्क, और मैं उससे 350-350 किलोमीटर के करीब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और उसमें मैंने आकर यहाँ पर जो देखा, और मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं आपको यहाँ की सड़कों पे मॉल में और यहाँ के जो आप इस साइड जैसे देखेंगे मेरे पीछे, ये सामने एक चर्च है और ये पीछे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा जो यहाँ का सिस्टम मेरे को लगा, साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा। तो मैं यहाँ पर हमारे भाई साहब है प्रियांशु जी, उनके पास आया हुआ था, तो उन्होंने मेरे को कंपेल किया कि भी आप लोग यहाँ की बजाय आप ग्रोदनों में चलिए, वहाँ पर एक गोमिल भी बोलते हैं शायद इस जगह को, जो प्रॉपर नाम है इसका ग्रोदनो, एक ये स्टेट है और ये गोमिल उसकी एक सिटी है जो काफ़ी बड़ी सिटी है और अच्छे। तो उसमें मैं आपको जो बताना चाहता था कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट का सेमिनार है जो कि बिजनेस मैन के लिए है, भाई कोई भी किसी भी देश से आकर यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ये यहाँ पर सेमिनार लगा हुआ है जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 60-70 देश पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके दौरान जैसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी मैं भी देखने के लिए आया हूँ, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और लगभग हम यहाँ पर हिंदुस्तान से करीबन 25 या 28 के करीब लोग हम पहुँचे हैं, जो कि 19 लोग हम अभी पहुंच चुके हैं, और कुछ लोग आज शाम तक ट्रेन से यहां पहुंच जाएंगे। तो कुछ लोग मिन्स से ट्रेन में आ रहे हैं, और मैं यहां पर बाय रोड, हमारे पास 3 गाड़ियां हैं जिसमें हम बाय रोड यहां पर आए हैं, एसयूवी है और 2 हमारे पास छोटी गाड़ियां हैं। तो उसके हिसाब से हम 19 लोग यहां पर पहुँच चुके हैं, और वो हमारा सारा ग्रुप यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे बिग ब्रदर हैं उनके साथ हमारा कल सेमिनार है, आज कुछ उनका ऑफिशियली प्रोग्राम था जिसमें वो गए हुए हैं, और उनके आने के बाद मैं शाम को प्रोग्राम बनाएंगे, और कल का जो हम ब्लॉग बनाएंगे, जो हम कल का जो सिस्टम करेंगे वो करेंगे हम सारा उस बिजनेस हब के ऊपर, कि भाई यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप यहाँ पर अगर कर सकते हैं, और सभी के लिए क्या क्या हम यहाँ प्रोग्राम दे सकते हैं, क्या किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प करेगी, उसके बारे में भी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको एक सिटी टूर जरूर कराऊंगा, अब आपको अभी सारी सिटी का मैं टूर दिलाऊंगा, अभी मैं पूरी सिटी में आपको एक बार घुमा के जरूर दिखाऊंगा कि भाई हाँ यहाँ की सिटी कितनी डेवलप है। जो हम सोचते हैं कि हाँ भाई कुछ लोग वैसे ही फेंक देते हैं बात को, हाँ भाई ऐसे है वहाँ पर तो ऐसे है जी ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। और आप देखिए मेरे पीछे जो हमारे साथ हमारे मित्रगण आए हुए हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे सभी भाई जो इंडिया से हैं। तो मैं आपको कुछ भाइयों से मिलाता हूँ। हाँ जी भटनागर जी, ये हमारे भटनागर जी। हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो इसके बाद मैं आपको मिलाता हूँ, ये हमारे यहाँ गब्बर सिंह जी। हेलो गाइस। और ये हमारे निखिल जी, ओह सॉरी, हमारे कृष्ण शर्मा जी, और ये हमारे विनय जी, और
वैसे और भी बहुत से भाई आए हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको सभी को उनसे कल मिलाऊंगा आपको मैं सारे वहाँ जब एग्जीबिशन में इकट्ठा होंगे तो वहाँ भी मैं आपको सभी से बात कराऊंगा। फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ के एक सिटी टूर पे। दोस्तों जैसे अब हम सिटी टूर के लिए निकले हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है वो थी चर्च, और जैसे अब हम दिखा रहे हैं ये हमारा होटल, होटल यात्री। तो सर यहाँ पर जितने भी होटल होते हैं, लगभग होटल गवर्नमेंट के होते हैं, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से निकले और ये सामने जैसे मैंने बताया चर्च है, और इस चर्च के सामने ही बस स्टैंड है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। अभी चलता हूँ मैं बस स्टैंड तक, और ये आप देख सकते हैं कितना चौड़ा चौड़ा रोड है यहाँ पर, और ये सामने सिटी हाईवे है, और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है बस स्टैंड। इसके अंदर एक टी कॉफ़ी की दुकान भी है, छोटी ही दुकान है। तो अभी वो सामने जो आपको शेड नज़र आ रहा है वो शेड है आइस स्केटिंग ग्राउंड। अब जैसे विंटर में इसमें अब बर्फ़ जमेगी तो लोग इसमें स्केटिंग के लिए आते हैं। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये साइकिल खड़ा है, ये साइकिल असल में एक रेंट के लिए है। तो इसके ऊपर एक बार कोड होता है जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बार कोड, इसे आप स्कैन कीजिए और पे कीजिए और इसे सारे सिटी में चलाइए। जगह जगह ऐसी साइकिलें हैं, जगह जगह साइकिल स्टैंड है मतलब ये, तो उसमें आप कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हैं रेंट करके, और वो शेड आइस स्केटिंग ग्राउंड है। और ये आप देख रहे हैं जो ये निशान देख रहे हैं आप, ये निशान ये जो रोड है हाईवे के साथ में जो हम जिस पे चल रहे हैं ये अलग रोड है, इस पे सिर्फ जैसे ये साइकिलिंग और वॉकिंग दो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हाँ ये सामने अब जैसे ग्रीन लाइट हुई है तो हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। कानून का लोग बहुत पालन करते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आने के बाद देखा है। तो ये आप एक चीज़ देख रहे हैं कि साइकिल वाले रोड पर कोई भी आदमी पैदल नहीं चलता, वो साइड वाले रोड से ही पैदल चलता है, साइकिल वाला रोड साइकिलें के लिए खाली रहता है। तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर, रूल रेगुलेशन बहुत लोग फॉलो करते हैं और बहुत अच्छी तरह करते हैं। जैसे अब मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, एक ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है मेरे लेफ्ट हैंड पे, जो ये बिल्डिंग एक नीचे इसमें बैंक है जो मैं दिखाता हूँ उसका बैंक का गेट भी आपको। और ये देखिए जो सामने से लोग भी आ रहे हैं वो पैदल वाली जगह पर आ रहे हैं, कोई भी साइकिल वाली जगह पर नहीं आता, क्योंकि यहाँ का लोग जो है रूल रेगुलेशन काफ़ी अच्छी तरह फॉलो करते हैं। और ये आप साथ में देख रहे हैं वो सिटी हाईवे है जो सिटी के अंदर से गुजर रहा है, यही हाईवे बाहर बाईपास से भी गुजरता है, जो बड़े बड़े ट्रक हैं या आगे जाने वाली जो गाड़ी है वो बाहर से निकल जाए, से हमारे यहाँ बाईपास से और अंदर से गुजरती है। तो ये अंदर का हाईवे है और बाहर का हाईवे अलग से है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये पंछी है, यहाँ पर जैसे कौवा बैठा था ये, तो ये साथ में आपने ये देखा है जो नज़र आ रहा है आपको, ये बैंक का गेट है, ये देखिए आप ये बैंक का गेट है, यहाँ पर ये बैंक है। तो हम जैसे आगे चल रहे हैं तो मैं अभी आगे चलकर आपको मॉल की तरफ लेके चलता हूँ। तो हम अभी सिटी के अंदर सीधा मॉल की तरफ जाएंगे और मैं अभी आपको आगे चलकर दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। तो दोस्तों जैसे हम अब जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचे हैं, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कानून का सभी फॉलो करते हैं। तो हम जैसे अब चौराहे पर पहुंचे हैं तो ये रेड लाइट हो गई है, तो आप देखिए कोई भी आदमी यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा, ये आप देखिए ऊपर अभी रेड निशान है। तो जैसे ही अब यहाँ पर ग्रीन लाइट होगी तो हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर मेन ज़रूरी है कि भाई कानून का फॉलो करें, यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस कानून की बहुत है और यहाँ पर कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता, कोई भी कोई गलत काम नहीं कर सकता, ना ही कोई कानून तोड़ता है। तो जैसे अभी देखा आपने ग्रीन लाइट हो गई है और सभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो हम जैसे यहाँ से रोड क्रॉस कर अब हम यहाँ जो मेन बड़ा मॉल है वहाँ तक जाएंगे। तो जो सिटी सेंटर का जो मॉल है वहाँ पहुँचेंगे, मैं आपको वो कोशिश करूँगा मैं अंदर दिखाऊँ, लेकिन
शाम का वक्त है, समय मेरे पास कम है, लेकिन मैं आपको वहाँ तक ज़रूर लेके चलूँगा, अभी दिखाऊँगा। जैसे अब ये मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ और आप देखिए सामने जो आपको अगर नज़र आ रहा हो तो एक मैकडी का साइन है। यहाँ पर मैकडोनल्ड, सबवे, KFC सभी मतलब इंटरनेशनल ब्रांड जो है, जैसे हमारे यहाँ का वो बिग बर्गर है, तो वो सभी ब्रांड यहाँ पर भी हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, और कितना अच्छा कॉर्नर पे, सड़क के कॉर्नर पे कितना अच्छा पार्क दिया हुआ है, ये मैकडी के सामने है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। मैं अभी आपको सेंटर सिटी में जो यहाँ का मॉल है मैं वहाँ पर लेके जा रहा हूँ। तो जैसे हम मॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये यहाँ की जो मिन्स के बाद काफ़ी अच्छी बड़ी सिटी है गोमिल, जो यह गोमिल राज्य की ही सिटी है। यहाँ पर जैसे राज्य का नाम भी गोमिल है और ये उसकी मेन सिटी गोमिल है। तो हम जैसे यहाँ से आगे क्रॉस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे रोड के ऊपर जैसे गवर्नमेंट के कुछ जगह बनाई हुई हैं, जैसे उसको आप रेंट पे ये ले सकते हैं या कोई भी बिजनेस कर सकते हैं उसके लिए। जो आप साइड में नज़र आ रहा है आपको, मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप साइड में ये दुकानें जो लगी हुई हैं, ये गवर्नमेंट की दुकानें हैं, ये रेंट पे होती हैं। और ये है यहाँ का मेन मॉल। ये ऐसे और भी मॉल हैं लेकिन मैं सिर्फ आपको एक अभी सेंटर का एक मॉल दिखा रहा हूँ। ये इधर साइड में देखिए आप आइसक्रीम पार्लर है, और ये सामने मोबाइल शॉप है MTS की। यहाँ पर जो MTC लिखा हुआ है ये MTS है, यहाँ को C जो लिखा जाता है वो S बोला जाता है, तो इसलिए ये आप देख रहे हैं सारा। ये अब हम मॉल के बिल्कुल सामने हैं, शाम का वक्त है, आपको थोड़ा सा पिक्चर में जो नज़र आ रहा होगा थोड़ा शाम का वक्त नज़र आ रहा होगा, तो ये अभी शाम का अंधेरा होने से पहले का समय है। और ये यहाँ का मॉल है जो जिसका ये मेन गेट है, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये इसका सारा मेन गेट है। तो अब मैं आपको यहाँ से वापस लेके चलता हूँ, मैं आपको मैकडी लेके चलता हूँ जहाँ पर हमें भी डिनर करना है भाई। रात का खाने के लिए हम मैकडी में जाना चाहते थे, तो हम कई दोस्त जो साथ में चल रहे हैं, तो अब हम यहाँ से मैकडी जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैकडी के सामने मैंने जो आपको बताया था कि मैकडी के मैकडी कॉर्नर पे ये पार्क है वो सारा, जिसके अंदर से मैं गुजर रहा हूँ, और वो सामने जो नज़र आ रहा है वो मैकडी है। तो जैसे अब हम मैकडी के, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये देखिए आप, मतलब मैकडी के सामने काफ़ी रस, ये मतलब जितने लोग ये नज़र आ रहे हैं सब मैकडी के लिए सामने जा रहे हैं, तो हम भी मैकडी ही जाएंगे, तो इसमें रात का डिनर हम मैकडी में ही करेंगे। तो जैसे मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, देखिए आप, और ये साइड में भी एक इनका छोटा सा हट लगा हुआ है जूस जास के लिए। तो आगे ये पीछे हमारे दोस्त आ रहे हैं जो मेरे साथ हैं, मेरा लड़का भी साथ में ही है। तो ये सामने अभी ये जो मशीनें लगी हुई हैं ये यहाँ की ऑर्डर मशीन है, आप ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। और ये देखिए आप, ये सामने काउंटर है जो ऑर्डर काउंटर है, जिस काउंटर के ये सामने जो काउंटर है वो ऑर्डर काउंटर है। आप देखिए कितना रस है इसके अंदर। और दोस्तों अब हम खाना खा के आ चुके हैं, और जैसे अब हम खाना खा के निकले हैं तो अंधेरा हो चुका है, तो लाइटें देखिए आप, और इन सड़कों पर अभी थोड़े समय के बाद बर्फ़ पड़ने शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको रात का नज़ारा ऐसे लगेगा जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में हो, इतना शानदार दृश्य बनता है। और रात को आप देखिए आप, सारी जगमगाहट, लाइटें बहुत अच्छे साथ में, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये लगभग रात के 2 बजे तक भी चलता है, हमारे यहाँ तो नहीं चलता लेकिन यहाँ पर रात के 2 बजे तक। और टैक्सी तो आप 24 आवर्स किसी समय भी, रात हो दिन हो, किसी समय भी ले सकते हैं। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ बस स्टैंड, आपको यहाँ का जो बस स्टैंड है, तो इसके बाद ये जो कॉफ़ी शॉप है बस स्टैंड के ऊपर ही, छोटी छोटी जो कॉफ़ी शॉप जो मैंने पहले भी बताया था आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं समाप्त करते हैं, और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से 10 विदानियाँ, नमस्कार, गुड बाय, टाटा, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।